हाँ
सभी तरह स्मार्ट चल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें हर चीज ना चलेगी। हालेलुया, हम सारे से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ वो आएगा दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हमारी सारी परेशानियां दूर की, सेहत और तंदुरुस्ती दी खुदाम बाप, जिंदों की जमीन से रखा खुदाम बाप। इसी तरह आने वाले दिनों में भी बड़ी मदद और हिफाजत करना खुदाम बाप। जिस तरह नया साल चढ़ने को है खुदाम बाप, हर एक की परेशानी को दूर करना, सेहत और तंदुरुस्ती देना खुदाम बाप। जो भी इनकी आंसी उम्मीदें हैं खुदाम बाप, उन्हें पूरी करना खुदाम बाप। जो नया साल चढ़ने को है खुदाम बाप, हर एक को जिंदगी देना, सेहत और तंदुरुस्ती देना खुदाम बाप। हिम्मत ताकत देना ताकि नेक राह पर चल सके खुदाम बाप। खुदाम बाप जितने भी आपके आगे सर लोग हैं खुदाम बाप, उन्हें बड़ी बरकत देना खुदाम बाप। जो भी इनकी परेशानियां हैं आपके नाम से दूर हो जाए खुदाम बाप। खुदाम बाप मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। सब सर फिर से बोलेंगे आमीन 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 आमीन। और भाई जमीन के साथ भाई ध्यान के साथ और भाई गुरु के साथ करते बस नहीं करेंगे।
हम प्रश्न आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मत्ती 21 बाब उसकी 22 आयत में यूं लिखा है, और जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगो वो सब तुमको मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज वक्त है मांग ले खुदा से जो जो भी आपको चाहिए, क्योंकि खुदा कहता है, कलाम कहता है, हमें बताता है, खुदा ने कहा जहां दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से करते हो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। आज खुदा हमारे दरमियान में इस जगह पर मौजूद है, आज उससे मांग ले जो भी आपको चाहिए। मेरा ईमान है आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। हालेलुया हालेलुया। प्रश्न में आगे बढ़ेंगे और भाई भाई के साथ मिलकर आओ रे मिले आओ रे मिले दुनिया ने प्यार दिए।
जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो साल है ये खत्म होने को है और कुछ ही लम्हात के बाद नया साल का वक्त शुरू हो जाएगा। अपने दिल में से हसरत, रंजिश, नफरत को खत्म कर दे। जिनसे भी आपको दिला है नफरत है उसे गले लगाए, क्योंकि बस्ती उसका 15:7-8 बताती है, अगर तुम मुझ पे कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हमें अपने दिल में से नफरतों को खत्म करना है, क्योंकि खुदा जैसी मोहब्बत तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने दिलों में से नफरतों को खत्म करें, अपने दिलों को मोह करें, क्योंकि खुदावन हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार रखो। हालेलुया, हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई मिल के साथ मिलकर प्रस्तुति करेंगे। गाने को हो इस साल में लॉन्च हो जाता, लेकिन यह है कि कुछ मसरूफियात की वजह से ये गीत जो है ये अभी YouTube पे नहीं है, लेकिन अनकरीब ये गीत आप जरूर YouTube पे सुनेंगे। मेरे उस्ताद जी ने इस गीत को गाया है, उन्हीं से मैंने इस गीत को सुना और आप सबों के सामने इस गीत को सुनाने को।
भाई जो हमारे बड़े भाई हैं चार से उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो दुआ में हमारी अगुवाई करें। सब अपनी आंखों से बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। तो दोस्तों आसमान और जमीन के खाली पर मारे तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने आज हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया। खुदावंद बख्शते इसी तरह आगे आने वाले में साल थे हम इसी तरह इकट्ठे हों और खुदावंद तेरे नाम को जलाल और इज्जत दे और तेरी हम दोस्त आयश करते हैं। खुदावंद अपने नाम को खुदावंद लिखा है बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और उसी तरह खुदावन के हुजूर हुजूर से ताजगी के दिन आए। हालेलुया, इस तरह हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे जब हम खुदावन के हुजूर में आएंगे। आज जो वक्त है हम खुदावन के हुजूर में उसकी बारगाह में मौजूद है, खुदा से मांगे अपने गुनाहों का इकरार करें और उससे तौबा करें तब वो हमारे गुनाहों को मिटाएगा और नए ताजगी भरे दिन हमारी जिंदगी में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे आगे बढ़ेंगे भाई जी के साथ मिलकर I'm gonna make you mine.
कुछ देर के बाद नया साल शुरू होने वाला है। और रोमियो उसके 13 बाप उसकी 12 आयत में लिखा, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तरीकी के कामों को तर करके रोशनी के हथियार मान गए। हमें रोशनी के हथियार क्या है? तमाम मुकद्दस जो हमारी जिंदगी में है, आज हमें उसे अपनाना है। जिसे हम नहीं पढ़ते, आज वक्त है कि कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में अपनाए। और जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम सबसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें और भाई इंतजार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कलाम के लिए हमारे साथ मिलकर दुआ करें। आज का कलाम हमारी जिंदगी में 30 नहीं 70 नहीं 100 गुना फल लाए। और पाज साहब को कसर से बरकत देना और हमारे जहनों में और हमारे खानों को खोलना और एक एक बात अपने जहन में रख सकूं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सब तशरीफ रखें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तशरीफ रखें और जोरदार तालियों में अपने पास्टर को वेलकम करेंगे ताकि वो आज का कलाम भाई को मुकद्दस करके हमारे साथ जुड़ जाए। आमीन। आज बड़ा अच्छा लग रहा था जब सैम भाई तमाम वर्सेस को साथ साथ पढ़ रहे थे और साथ में आपके साथ प्रेजेंट कर रहे थे। खुदावंद भाई सैम को और ज्यादा बरकत दे और खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अच्छा बात पता क्या है, अब नया साल आने को है ना, तो हमें एक नई चीज सीखने को है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए हर रोज एक नई बात हो जो कि कलाम के मुताबिक भी हो और हमारी जिंदगी के साथ भी जुड़ी हो। जिस तरह के इन्होंने पढ़ा रोमियो, बड़ी खूबसूरत बात थी, मैं मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम बारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। बड़ी खूबसूरत आयत है। आज हम लोग बहुत सी चीजों को चाहते हैं हमारी लाइफ में हो। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, मैं चाहूंगा कि एक दफा हम फिर से अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद के ताबिया करें। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करेंगे क्योंकि आज हम एक नए साल में कदम रखने को है ताकि खुदावंद से हमारे ट्रैक तवज्जो रहे। हालेलुया। कदूस रब लो फाज आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तू जो था तू जो है और तू जो रहेगा, ऐ जिंदा आसमानी बाप, आज के कलाम के लिए अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। ऐ खुदावंद मैं नबूल बोल के तू बोले कलाम का मुकाशवा दे बहुत सी रुझानों के लिए। आज का कलाम निजात का वायस बने और ये सब तेरे हजूर जुड़ने वाले हों मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। बोलते हैं आपसे सब कहेंगे आमीन आमीन। हम निकालेंगे जबूर, जबूर 148 सॉरी 38, जबूर 138। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है वो वहां से ले सकता है। जबूर 138 और यहां पर यूमर कूम है। जबूर 138 उसकी 4 आए। अरे खुदावंद जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाएं से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। क्या खूबसूरत बात है ना, तमाम बादशाह। इसका मतलब गरीबों को खुदा ने छाड़ दिया है। लॉजिक, लोग सोचेंगे यार शायद बादशाह मेरी कलाम है। मेरे जीजों जब आपकी हर ख्वाहिश खुदावंद पूरी करता है तो याद रखे कि आप भी बादशाह की फहरिस्त में शामिल हैं। हमारे लिए बड़ी खूबसूरत एक पीछे आई थी कि तुम भाई ने बड़ी खूबसूरत पत्ती की लोकर के झील में से पढ़ा था कि जो चीजें आप में खुदावंद के मुताबिक कायम रहेंगी ना तो खुदावंद आप में भी कायम रहेगा। मतलब कि अगर आप खुदावंद के बातों को उसके हुक्मों को मानेंगे तो वो आप में कायम रहेगा। आज दुनिया में रहते हुए हम सोचते हैं कि कोई बादशाह होगा और उसी की सारी सुनी जाती है।
وہ شاید بادشاہ کا خدا ہے, شاید وہ امیرہ کا خدا ہے, شاید میرے خدا کو میرے نال محبت نہیں ہے. میرے عزیزو, جس میں خداوند کی باتیں قائم رہیں گی خداوند اس میں قائم رہے گا. آج ہماری دعائیں بھی اس طرح کی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند مجھے غیر زبان جیسی برکت دے دے, اے خداوند مجھے شفاف کی برکت دے دے, اے خداوند مجھے یہ دے دے, اے خداوند مجھے وہ دے دے. لیکن میرے عزیزو, جس میں خداوند کی باتیں قائم ہیں خداوند اس میں قائم ہے, اور جس میں خداوند قائم ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہیں, تمام اختیارات. میٹر نہیں کرتا, کوئی گل نہیں بنتی کہ ایک بندے چ خدا ہوئے تو کہے میرے روح کو دس چاہیے. تسی خدا کو اپنی زندگی چ رہو کیونکہ روح کو دس مالک ہے, معجزات کا خدا مالک ہے. آج ہم لوگ اپنی زندگی میں خدا کو مانتے نہیں اور دوسری چیزوں کو مانتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں خداوند کو لازم کریں کیونکہ یہاں لکھا ہے, اے خداوند زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کرے. آج آپ ون بائی ون, بیٹیاں بیٹے, ماں باپ, دادا دادی, سب بادشاہ ہو, کیونکہ آپ میں خداوند کا کلام قائم و دائم ہے. کیونکہ آپ خداوند کے لیے اپنی نیندیں ضائع کر کے آ گئے, کتنی نیند نہیں پائی. اج دے دور چ دنیا چ سب تو اوکھی چیز ہے نیند, سلیپ تے بھی نیند آ جاتی ہے. کسی بندے نو اٹھا کر دے نا تے بہت رات ہو جائے گی, الٹا لٹکیا بھی نیند ضرور آئے گی, کیونکہ انسان نیند سے زیادہ مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان کو سب سے پہلی چیز جو سیکھنی ہے اپنے خداوند خدا سے, اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا, اس کے بیٹے نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے محبت کی وہ مثال قائم کر دی. آپ کو نیند کی قربانی نہیں دیتے, اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی. آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بادشاہ کیسے بنے, ہاؤ وی میک آور سیلف ان آ کنگ, ہم اپنے آپ میں کس طرح بادشاہ بن سکتے ہیں, ہمیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہمیں کوئی اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی خدا کو کوسنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرے عزیزو, جس میں خدا کی باتیں قائم ہیں خدا اس میں قائم ہے اور وہ بادشاہ ہے. اور ہر وہ شخص جو بادشاہ ہے کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے. آج ہم لوگ گزرے وقت کو سوچتے ہیں, that we think that جب ہم گزرے وقت کو سوچنے لگ پینے ہیں, پچھلے سال نا میرا وہ عزیز میرے نال سی تے اج وہ میرے نال نہیں ہے. ہاں تکلیف ہوتی ہے, کسی کا ماں باپ چلا جائے, کسی کا بہن بھائی چلا جائے, یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری فیل ہوتی ہے. آج ماں باپ پاس ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے, جب وہ چلے جاتے ہیں تو باتیں یاد کر کر کے ہوتے ہیں. جب بہن بھائی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو جب بہن کی شادی ہوتی ہے تو وہی برا مکے لہلا رو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ جائے گی دوسرے گھر جائے گی. میرے عزیزو, سب سے پہلی بات ہے تابعہ داری اپنے خداوند کو دکھانے کی. آج یہاں پر ہر کام کا کوئی نہ کوئی استاد بیٹھا ہے, نمائندہ ہی ہیں, پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, جو بھی شاگرد ہیں, بدر اندریاس ہے گٹارسٹ ہے ان کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, بدر حسین ہے گیمنگ کا کاروبار کرتے ہیں گیمنگ میں ان کے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں, بدر نویل ہے وہ گاتے ہیں ان کے بڑے, بدر انیل ہے وہ کی بورڈسٹ ہے اور ان کے بڑے اسٹوڈنٹ ہیں. اب یہ سب کے سب ترقی کیسے کریں گے, آنے والے وقت میں استاد کی جگہ پر کیسے کھڑے ہوں گے,
कि उनको उनकी बातें याद रखनी होंगी। आज हम खुदावन को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, हमें चाहिए रुपया पैसा दौलत, लेकिन उसके लिए हमें दोनों हाथों को बैलेंस करना पड़ेगा। एक हाथ में हम सोचे कि हम खुदा को लेकर चले और एक हाथ में खुदा को लेकर चले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप में खुदा का कलाम काम करेगा तो आप उस बादशाह ही होंगे। लाजमीनी के बादशाह अब दाऊद नबी ने अगर जबूर बोले या सुलेमान नबी ने मिसाल बोली, इस तरह की बढ़िया कलाम कराम करेंगे, बादशाह सा। लेकिन जब खुदा कोई करता है तो खुदा की नजर में बादशाह भी बादशाह नहीं होता। जब दाऊद ने गलती की तो खुदा ने हैकल की बरकत उसके बेटे को दे दी। आज हम जब गलती करते हैं तो आने वाले वक्त में जो ब्लेसिंग मेरे पास होगी वो मेरे बेटे के पास होगी, या हो सकता है कि मेरे किसी स्टूडेंट के पास हो, हमारे किसी चर्च के और मेंबर के पास हो, क्योंकि मैंने गलती कर दी। जब हम गलती करते हैं ना मेरे चीजों, तो ब्लेसिंग जाती रहती है। और जो हम पिछले जमाने में या पिछले साल में गलतियां कर चुके हैं, अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि हम यही सोच रहे कि हाँ यार ठीक है, हाँ हाँ वो कुछ नहीं होता, पिछले साल कुछ नहीं होया, नए साल भी की होएगा। तो मेरे चीजों इट्स रॉन्ग, ये बहुत गलत है। अगर पिछले साल चोरी का अभियान नहीं फड़ेंगे तो अगर इस साल फड़ेंगे तो बड़ी मार पड़ेगी। बड़े बुरे हालात देखे हैं, मेरे साथ नमान भी इस बात का गवाह है। लेकिन खुदावंद किस इंसान को कहां पर इस्तेमाल करना चाहता है ये हम नहीं जानते। He know better that। खुदावंद बहुत बेहतर जानता है किसने अपने बंदों को कहां इस्तेमाल करना है। जिस तरह के कामों में इंसान सोचता है कि मुझे शॉर्टकट चाहिए, मुझे एक दिन में पैसा इतना मिल जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि अगर उस एक दिन के पैसों में आज हम फंस जाते तो शायद आज मैं यहां ना खड़ा होता, मैं भी कहीं गुनाह की दलदल में पांव रख के बैठा होता। जिंदगी बड़ी अजीब है, ये आपको हमेशा शॉर्टकट देगी, बट शॉर्टकट इज नॉट अ मैटर। शॉर्टकट मसला नहीं है, मसला है कि तू शॉर्टकट के लिए काम जहां सरकार है। हम आज खुदा से जो शॉर्टकट के लिए हम क्या मांगते हैं, पैसा। तो पैसे के लिए हम चोरी करते हैं, हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, किसी के रबन करते हैं या किसी का नुकसान करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को खुदावंद के साथ देते हैं ना चोरी करने की जरूरत पड़ती है, ना रबन करने की जरूरत पड़ती है, ना आपको किसी मसले मसाइल की जरूरत पड़ती है, बल्कि सिर्फ आपको खुदावंद के साथ ईमानदारी से चलना पड़ता है, तो आप बादशाह बन जाते हो। यहां रोमियों उसका 12:13 है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध रहे। आज वक्त गुजर चुके हैं, आज न्यू ईयर होने में भी चंद लम्हा बाकी होंगे। हाउ मच टाइम, पूरे 12 बज गए, लोग 2022 में हमने कदम रख लिया। आज 2022 जैसी की गुनाह कीते ने, हमने 2022 में क्या बुरे काम किए, कौन से रिश्तेदारों को, किस बहन भाई को हमने जो है तकलीफ दी, हमने किस तरह एक दूसरे को नुकसान दिया। मेरा कहना पैसा है जरा मेरे को नाराज है, मेरी कड़ी भैन है जी मेरे को नाराज है, जिन्हों मैं गुस्से च गाल कर दी, या कि रिश्तेदार है जिद नाल मैं ऐसा बोलिया। अब ये तो रिश्तेदार बहन भाई है ना, अब कौन सा मेरा दोस्त है जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, कौन सी ऐसी बात है जिससे मेरे घर वाले मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, कौन सी ऐसी रात है जिस दिन मैंने अपने घर वालों को दुख दिया। उन तमाम बातों को कहते रात बहुत गुजर चुकी, बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बड़ी खूबसूरत मसाल है रात गई पे,
बात गई, रात गई बात गई। कलाम कदर से कहता कि तेरी तेरी गुस्सा जो है ना उस इंज करके पल चमक भी खत्म हो जाए। आज हम लोग बहुत सी चीजों को चाहते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा हो। कौन कौन चाहता है कि उसके साथ अच्छा हो? तो उसके लिए आपको एक बात पर अमल करना पड़ेगा कि रात गई थे बात गई। क्योंकि मेरे अजीज हो, जब हम पुरानी बातों को तर्क कर देते हैं तो रोशनी के हथियार ले लेते हैं। अब रोशनी के हथियार की साढ़े को टॉर्च आ जाती है या दीवा आ जाता है या साढ़े को मोमबत्तियां आ जाती नहीं। जब आप पुरानी बातों को तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो खुदा आपकी जिंदगी में एक ऐसा स्टेप खड़ा कर देता है जिसको कहते हैं मोहब्बत का स्टेप। और जिसकी जिंदगी में मोहब्बत का स्टेप आ जाए ना, मेरे चीजों यकीन जानो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। क्योंकि आज हम लोग जिस चीज से पीछे हैं ना, वो सिर्फ मोहब्बत का कदम है। किसका कदम है जी? क्योंकि जब हम मोहब्बत के कदम को अपनाते हैं तो हम सबसे पहले जिस चीजों को छोड़ते हैं वो होती है खुददारी। जब हम मोहब्बत में होते हैं ना तो पहले खुददारी मार जाती है। मैं छटा नहीं सवेरे बैठी फिर की होता दस लोग अज खलो के बंदा कहता है तो खुददारी किए मरी सवेरे में वेखते क्या एक भाई की हाल चाल है कैसे हो। वो दस जन कहते तू कदम भाई है तू तो आपकी बड़िया गल उस वक्त उनकी नजर में चाहे आपकी खुदारी जाए लेकिन वो इंसान है। बेस्ट ऑफ दैट ये है कि आप अपने खुदावंद की नजर से ना करें। कहने ने दुनिया हर जगह डिगे लो कोई टेंशन नहीं, किसी की नजर से ना डिगो सब तो बेहतर है। समझे? नजर से। आज हम लोग दुनिया की नजर से कितना तो बेहतर समझते हैं, खुदा की नजर तो नहीं। क्या होता है कि कुछ बेटे होते हैं जब सिगरेट पीते हैं तो कहते हैं मैं अब्बू साहब ने नहीं पीता, मैं अम्मी साहब ने नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि जी अम्मी अब्बू कुटा देंगे। और एक बार अगर सिगरेट पीन लगे आसमान नु देखा ना तो जान जाएंगे कि उसके मां प्यो का भी मां प्यो, उसकी नस्ल का भी मां बाप और वो देख रहे हैं। और उस सिगरेट को गौर से देखे और खुदावंद को पूछे खुदावंद ऐसी जिंदगी है तो जान जाएगा। हाँ, अगर खुद अपने उते अबलीस नो हावी करे और कहे कि हाँ जी यही मेरी जिंदगी है जी यही मैं पीनी है तो फिर वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। क्योंकि वो किस चीज में लेके चल रहे हैं फिर काम का दो चीजा इकट्ठिया लेके नहीं जा सकता, एक कच्चे गुलाम और एक कच्चे गुलाम। आपको एक चीज अपनानी पड़ेगी, या तो आपको दुनियादारी की बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी तो या फिर आपको खुदावंद के साथ चलना पड़ेगा। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को रद्द करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते। इसी तरह हम पढ़ेंगे यशाया उसका 43 बार और उसकी 18 आयत में यूं मरकूम है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। अच्छा जी मैं तो कोई गल नहीं की थी, बाइबल को तो साफ से आज बात कर रही है और मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से कोई आयत तो नहीं बोली। यहां पर एक लफ्ज बिल्कुल क्लियर वर्ड में लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कभी बातों पर सोचते ना रहो। नंग गया जो नंग ना सी, गुजर गया साल जो गुजरना था। आज अभी यकीन जानो कभी बड़िया गल सुन जाती है जी। कहते हैं जी नवे नवे चर्च च जाके दुआ करो ना साड़ी दुआ सुनी जाती है। जी तुम अगर पहला रोजा खोलते हो ना उस घरों जिस घर के चो कभी पानी भी नहीं पीता तो तुम्हारा रोजा कबूल हो जाता है। उस घर का मिठा खा लो तो रोजा कबूल हो जाता है जी। फिर बड़ी अजीब अजीब लॉजिक है इंसान की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इन सब चीजों को याद तो रखते हैं लेकिन जो सबसे स्पेशल चीज है कि खुदावंद को अपने ऊपर लाजम रखना वो छोड़ देते हैं। हम पहली दफा चर्च आए जी असी खुदावंद के जोर चो गए क्योंकि खुदावंद ने मेरी दुआ सुनी।
मैं रोजा रखे मैं रोजा खोला उस घर जाके कई दे ऐसे मेरे भैन भरा होंगे दोस्त होंगे बुआ खड़का के जो नहीं भी जानते तो बुआ खड़का कहते हैं भाई थोड़ी जी चीनी दे दे गिलास पानी मैं रोजा खोलना क्यों क्योंकि लॉजिक चाहे कि मैं अगर रोजा किसी गैर घरों खोलांगा तो मेरी दुआ सुनी जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता आपकी दुआएं खुदावंद तब सुनता है जब आप ईमानदारी से खुदावंद से मांगते हो हमें मांगना नहीं आता हमें मांगना नहीं आता अगर मैं यहीं पर बैठे बैठे यहां पर खड़े होकर किसी से बोलना मिसाल के तौर पर प्रयास भाई है मैं कहता हूं इंद्रयास भाई हमें चर्च के लिए ना ढोलक की जरूरत है और मुझे ना उसके लिए 3000 की जरूरत है अभी इंद्रयास भाई मुझे जवाब सोच के देना चाहते हैं मैं उनकी वजह से फटाफट कहता चले यार अगर आपके पास होगा तो कर दीजिएगा खुदा मंदा आपको बरकत दे कल खत्म कर देती अब इंद्रयास भाई ने ना करना सोचा सी वो कहने से बदल गई हां जी तू बदल गई हां में मैंने इसरार नहीं किया मैंने पुशअप नहीं किया कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए जिद नहीं की थी मैंने बात शुरू की और फिर मैंने खत्म कर दी अभी इंद्रयास भाई अपनी मिसेज से बात करेंगे अपनी फैमिली से बात करेंगे कहेंगे यार देखो भाई साहब से मुंह चुका लाइए तो बात चो ना क्या रहने दो कि ना हो कि खुदा ने उन्होंने मुंह च मेरे ही गल पाई हुई तो मैं करा ना तो गलत गल इंद्रयास भाई के लिए वो बात यहां क्लिक कर जाएगी याद रहेगी वो कोशिश करेंगे कि मैं जल्द से जल्द वो बात पूरी करूं जो खुदा के खादिम के मुंह से निकली बाद में उसने मुझे कहा कि नहीं तुम रहने दो तो मैं क्यों रहने दूंगा मैं मारा मैंने मेरे खुदा ने दिता नहीं लेकिन ये है यहां पर ईमान की बात हमें मांगना नहीं आता अपने खुदा से मांगो और जब मांगते हो तो कहो क्या है खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो और मुझे देना है तो तूने ही देना है मैं सिर्फ तेरे हजूर झुक सकता हूं लेकिन बाप अगर मेरे लिए ये चीजें जायज हैं तो मुझे मुहैया कर तो यकीन जानो क्या मेरे सारे रास्ते खोल जाएंगे क्यों क्योंकि आपने खुदा से मांगा भी और मोहब्बत से मैं जब अपने अबू से कोई चीज मांगनी होती सी ना तो मैं इस लाइन में याद रखना होना सर मैं अपने डैडी से कहता होता था कि अबू जी मुझे चीज चाहिए तो उन्होंने कहना मेरे को नहीं है मैं कहती अगर हो जाए तो ठीक है नहीं तो कोई गल नहीं चलो कोई गल नहीं खुदा मंदा अबू जी जो कोई होएगा खुदा मन दे देगा अब मेरे बाप के बाद में यहां पर ना वो चीज क्लिक हो जाती थी कि मैं ना ही कर दी ना इन्हें गुस्सा किया ना इन्हें जिद की बल्कि तो मैं कह के चला गया चलो हो तो ठीक है नहीं आप ही कर लाने तो मेरे डैडी ने मुझे जब जब वो चीज कहीं ना कहीं से मुहैया कर दे दी दुनिया दिया गल्ला ने बेसमानी बाप से जो तो सारा कुछ मैं अगर इतने बैठे नवान भाई को नवान भाई दो किताब का चर्च तुम्हें लैके देना है नवान भाई को होते तो देर लैके लेकिन अगर नुमान भाई अपना हाथ आसमान हो चुके और कभी क्या खुदावन अगर तेरे खादम नहीं है तेरे बंदे नहीं है तेरी बेटी ने मैंने एक गल की है तो खुदावन अपने बंदे भी शर्मिंदा ना होता ही और मैं लोगों को मांगना चंगा नहीं लगता क्योंकि लोग तेरे को मांगते हैं तो क्यों ना जे मैं भी तेरे को मांगा तो यकीन जानो कि वो आपको सब कुछ मुहैया कर देगा यहां लिखा कि पिछली बातें भूल जाओ असि खुदावत को मंगने का तरीका बदल देंगे नाउ वी कैन चेंज आवर सेल्फ हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा मांगने का तरीका इमरान खान एडा सोहने तरीके मांगना दुनिया सलाम करती है दुनिया के लीडर एडे तरीके मांगते हैं करोड़ रुपया लग जाता है और सानू कोई 10 रुपए नहीं देता रीजन की है क्योंकि हम लोग दुनिया पर यकीन रखते हैं खुदा पर नहीं हमें कमी है कि हम खुदा पर यकीन नहीं रखते हम सिर्फ हमारा ट्रस्ट जो है ना वो इंसान पे है हम हर चीज उस पर डिपेंड करते हैं चर्च को बने हुए भी हमारे चर्च को तकरीबन 8 पांव हैं इस तरह ही अंकल जी 8 से 6 से 7 या 8 पांव हैं इतने से टाइम में मेरे ख्याल से इस चर्च में पहली दफा ऐसा हुआ है
कि किसी बहन ने अपने हाथ को चर्च के लिए खोला, बहन बुशरा ने। पहली बार 3 साल मुझे चर्च को चलाते हुए हो गए, मैंने कभी भी चर्च में किसी से कुछ नहीं मांगा कि मुझे मेरे चर्च के लिए ये चीज चाहिए, मुझे ये चाहिए। बहन बुशरा ने फर्स्ट टाइम, मैंने लास्ट टाइम मैंने कहा, मैंने कहा यार मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर चर्च को सजाएं। तो बहन बुशरा ने अपनी मुट्ठी खोली और खुदावन ने उनको कहा कि आप चर्च की हेल्प करो। आज हम लोग भूल गए हैं, गुजरी बातों को हम याद रखना चाहते हैं। हम किन चीजों को याद रखें? खुदा ने मुझे ताकी है, पर जो ताड़े को ले उन्हें भी शुक्र अदा करो, क्योंकि खुदावन जो आपको देता है वो ज्यादा खास है। जो अभी आने वाला है उसके बारे में सोचो। अब आप एक नया साल में कदम रख चुके हैं। यहां पर लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो जाहिर में आएगा, अब वो जहूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? अब क्या आप चाहते हो कि मैंने आपसे हर चीज क्लियर कर ली? जब आप कैसे खुदा उनसे मांगो, अब आप कैसे खुदा उनसे सब कुछ हासिल कर सकते हो? तो वो कहता है, हां मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। पात्राओं का पड़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाय से बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। सिर्फ मांगने का तरीका, साढ़े हाथ फैलाने का तरीका इंज नहीं होना चाहिए, इंज भी होना चाहिए खुदा देगा। कभी हमारा हर टाइम यू नहीं, यू करके देखो तो आप ज्यादा से ज्यादा बरकत पाओगे। हमारे लिए बड़ा खास होता है कि असं किसी जगह नुमान भाई है 10 रुपए देना, इतने आते हैं। सैम भाई 100 रुपया देना, इतने आते हैं। बट नॉट गुड, बात हंसी वाली लगती है ना, किसी तक हाथ पकड़ना बड़ा अजीब लगता है। लेकिन मेरे चीजों, अगर आप अपने दोनों हाथों को जोड़ के और खुदावन से मांगो तो वो सहरा में नदियां खोल देगा। वो आपके लिए जो जो रास्ते के बंद है ना, वो भी खोल देगा। बियाबान भी ताड़े लिए राह बना देगा। सहरा जानते क्या है? कौन कौन जानता है सहरा क्या है? हाउ मेनी पीपल नो दैट? कितने तो लोग जानते हैं सहरा की? सहरा वो जगह है जहां सिर्फ रेत ही रेत, दूर तक अगर उधर बारिश ना हो तो लोग प्यास ना मरन लग पाते हैं, और जब बारिश होती है तो लोग मटकों के मटके पानी भर लेते हैं। कभी कभी वहां कुएं निकालने के लिए यहां से बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और अदारे और बड़ी बड़े फर्में जाकर वहां पर नदियां और वो सॉरी नदियां कह रहे कुएं और हैंडपंप वगैरह लगाते हैं ताकि लोगों को मुश्किल ना हो। आज सोचें कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसी हैं। आज आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए बियाबान बन चुकी हैं, जितों तारों सूर्य डिगन तो विचार डर जाओ कि यार कितनी आवाज आ गई। यहाँबाद में जब बम ब्लास्ट हुआ तब हम कराची में थे, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया, कहता यार जानी भाई मेरा फैमिली नेम जानी है, तो मैं मास्टर भी नहीं था, मुझे उसने कहा जानी भाई यहां पर यह आलम था कि जब हम सड़क से सौदा लेने जाते थे तो जब एक हवा के साथ पॉली बैग उड़ता था ना तो हम डर जाते थे। उसकी आवाज, उसके सिरकने की आवाज हमें क्लियर आती थी, हमें लगता था दिन जी जिन पै गए। ऐसी सुनसान सड़कें होती थी इलाहाबाद की। आज हमारे घरों की तो बड़ी दूर की गल है, साढ़े दिलों की सड़कां भी सुनसान ने। हम किसी को मनाने नहीं जाते, हम किसी से गिला रखते हैं तो दिल में रखते हैं। चलो दिल ची है ना, नहीं उन्हें दसना चाहते तो दिलों माफ कर दो। देखो खुदावंद तुम्हें बरकत देता कि नहीं देता। आज आपके लिए बहुत लाजम है कि आप अपने खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपनी तवज्जो करें। वो चाहता है कि आपके सहरा जैसे जहनों और दिलों में वो नदियां बहा दे पानी की। ठंडक चिल, गर्मी के अंदर चिल पानी है, मजेदार याद शरबत सिकंजवी है, चिल ठंडक है, पीने सार अंदर है, सुकून हो जाए, रूह अफ़ज़ा, बच्चे सल्ला के पहने। लेकिन मेरे जीजो ये सब चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आप अपने खुदा और अपने खुदा को अपने साथ अपनाएंगे। आज आपके साथ हमने
तीन बातों को शेयर किया है, मैं आपसे एक बार फिर से रिवाइज करूं। सबसे पहली बात कि आप सब बादशाह हो जिसके मुंह में खुदावंद ने इख्तियार बख्शे हो। अगर आपके पास इख्तियार है आप कह सकते हैं ना, आप अपने घर के मालक को अपने कुंडी ला दे लागे जाती कुंडी खोल दो खुल जाती, तब से अपने घर के बादशाह भावे किराए दे घर क्यों ना उस कमरे का किराया दे दे, ताड़ी मर्जी तो बगैर कोई ताड़े घर च वड़ नहीं सकता भावे मालक मकान क्यों ना हो। इसी तरह आप जब खुदावंद के साथ जुड़ोगे तो आप में खुदावंद की बातें कायम रहेंगी और खुदावंद आप में कायम रहेगा, और जिसमें खुदावंद कायम रहेगा वो बादशाह ही रहेगा क्योंकि उसने खुदावंद के मुंह की बातों को सुना है। उसके बाद कि रात भी दे बात भी बदलने सानू पिछली गलानू बोलना पड़ेगा। और थर्ड बात ये है कि मेरे अजीजो जब आप अपने अंदर खुदावंद की बातों को लाते हैं, ये मैं नहीं कहता खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचने ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा अब वो जरूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे। हाँ मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। पाकराम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाय से बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते क्यों ना आज ऐसी सारे अपने कदमों पे खड़े हुए, और मैं चाहूंगा कि जो भाई है वो आगे आगे आए, जो भाई है और नहीं हमारे जो बुजुर्ग है अंकल है उनके लिए आना मुश्किल है, तो मैं चाहूंगा कि हम सब सबसे पहले वैसे जैसे किसी ने कोई लड़ाई नहीं, किसी ने कोई दूसरे ने टूटते नहीं मारी, कोई लड़ाई तो नहीं, हमें हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ सलामती शेयर करेंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। इसी तरह बहनों में भी लेडीज में भी, और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर बच्चे आप सब हैं, आप पीछे आपके दादाजी भी बैठे हैं, आप उनके पास भी जाएं, उनके साथ भी आप लोग सलामती शेयर करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस।